रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने 28 और 29 फरवरी को ओडिशा की समुद्री तट पर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ITR चांदीपुर में बहुत कम दूरी की हवाई रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। यह एयर डिफेंस सिस्टम रूस की S-400 की तरह ही है। इस मिसाइल की स्पीड एयर डिफेंस सिस्टम की हिसाब से बेहतरीन है। इससे दुश्मन की यान विमान हेलीकॉप्टर या ड्रोन को भागने या बचने का मौका ही नहीं मिलता है। इस सिस्टम का वजन 20.5 किलोग्राम है। इसकी लंबाई करीब 6.7 फीट है और व्यास 3.5 इंच है। यह अपने साथ 2 किलोग्राम वजन का हथियार ले जा सकता है। इसकी रेंज 250 मीटर से अधिकतम 11,500 फीट तक जा सकता है। अधिकतम गति 1.5 मैक है यानी 1800 किलोमीटर प्रति घंटा है। इससे पहले इसकी टेस्टिंग पिछले साल मार्च और 2022 में 27 सितंबर को की गई थी। जमीन पर मेन पोर्टेबल लॉन्च से दागा गया यानी इसे कोई भी आराम से किसी भी जगह ले जाकर दागा जा सकता है। चाहे वह चीन की सीमा से सटे हिमालय की पहाड़ हो या फिर पाकिस्तान से सटे रेगिस्तानी सीमा, इससे विमान, फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, मिसाइल या ड्रोन को मार गिराया जा सकता है। बेसिकली एक कम दूरी की इंटरसेप्टर मिसाइल है। इसे रूस का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है। खास बात यह है कि इस हवाई सुरक्षा प्रणाली को देश में ही विकसित किया गया है। इसे बनाने में DRDO की मदद हैदराबाद स्थित रिसर्च सेंटर इमारत ने की है। इस मिसाइल में कई तरह की नई आधुनिक तकनीकें लगाई गई हैं, जैसे ड्यूल बैंड, IIR शिखर, मिनी एस रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम, इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स, इसका प्रोपेलर्स सिस्टम ड्यूल थ्रस्ट सॉलिड मोटर है जो इसे तेज गति प्रदान करता है। इस मिसाइल का इस्तेमाल भारतीय सेनाएं एंटी एयरक्राफ्ट वॉरफेयर में कर सकती है।